हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो जी नमस्कार, मेरा नाम है रणवीर बरा और आज बनाएंगे टेढ़ी कॉफ़ी, सॉरी कोल्ड कॉफ़ी। क्या है कि जब से मैं उठा हूँ सुबह से तो मैं ऐसे टेढ़ा ही हो रखा हूँ, मेरी कमर में हो रहा है दर्द। ठीक है, तो इस दर्द से कराहते हुए अगले 10 मिनट के लिए तैयार हो जाइए आप। कॉफ़ी की रेसिपी बहुत मस्त है, वो कोल्ड कॉफ़ी सब लोग बोलते हैं ना बनानी है बनानी है। 5 रेसिपियाँ मैंने पहले दी थी, फिर लोगों ने बोला नहीं शेफ 3-4 तो और दो, 3 और दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मूव के उस नहीं सॉरी म्यूजिक के उस पार। कॉलिंग एंड एक्शन। तो भाई इससे पहले हमने आपको 5 तरह की कोल्ड कॉफी दिखाई थी और आपके प्यार की वजह से, भगवान की दया की वजह से 5-1 मिलियन व्यूज हो गए उसके, 50 लाख लोगों ने देख लिए, तो मुझे लगा कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मेरे को मेरी टीम ने बोला कि देखिए आजकल वो बड़ी फैशन में चल रही है बहुत सारी कोल्ड कॉफ़ीज, प्लस एक रिवीजन हो जाएगा गर्मियों में लोगों का, तो बना दीजिए। हैं तो एक तो बनाएंगे हम कॉफ़ी स्मूदी, दूसरा हम बनाएंगे नाइट्रो कोल्ड कॉफ़ी, आजकल बड़ी चल रही है, तीसरा वो कैरेमल फ्रैपुचिनो या कैरेमल कोल्ड कॉफ़ी, चौथा अपनी बेसिक कोल्ड कॉफ़ी, और पाँचवा देखते हैं बनते बनते बन जाएगा। 4 बहुत है, 4 इज़ माई लक्की नंबर। तो डिकॉक्शन जैसे मैंने पिछली बार बनाया था बिल्कुल वैसे ही बना रहा हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई भी इंस्टेंट कॉफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने इसके अंदर डाली थी इलायची, आप डालना चाहें तो 1 छोटी इलायची डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, घर की बात है, मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। ठीक है, और जब भी आप कॉफ़ी को ऐसे पकाते हैं उसके अंदर हल्का सा सिनेमन डाल सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा सिनेमन स्टिक। इसके साथ में वो जो कैरेमल फ्रैपुचिनो आपको बनानी है या कैरेमल कोल्ड कॉफ़ी बनानी है उसका कैरेमल बना लेते हैं। ठीक है, उसका कैरेमल बनाने के लिए आपको चाहिए शुगर, कैरेमल बनाने के शुगर ही चाहिए ना भाई। अरे मैं तो पहले ही बोल रहा था कि टेढ़ी कॉफी बन रही है आज, मेरे बर्तनों का वो मत देखिए कलेक्शन नजर लग जाती है। देखिए ऐसा है कि वादा कर दिया तो कर दिया, अब आपसे वादा कर दिया कि भैया हफ्ते में 2 आएंगी रेसिपी तो आएंगी, उसके बाद चाहे रणवीर टेढ़े हों चाहे सीधे हों चाहे दर्दियाए हों चाहे सुस्तियाए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, कैरेमल सिरप बनाने के लिए आपको चाहिए शुगर। अगर आप इस कैरेमल सिरप को बना के स्टोर करना चाहते हैं कि भाई पूरी गर्मी मेरे को कैरेमल सिरप चाहिए, अगर मैं कैरेमल कैपुचिनो बना रहा हूँ, कैरेमल कोल्ड कॉफ़ी बना रहा हूँ, कैरेमल माकियातो बना रहा हूँ, कैरेमल ये कैरेमल वो, आजकल फैशन में है ना सब वो बक्स और बटिस्टा में, तो उस लिए कैरेमल सिरप में फिर आप कंडेंस्ड मिल्क डालिए। कंडेंस्ड मिल्क से शेल्फ लाइफ मिलेगी आपको जो दूध से नहीं मिलेगी। देखिए साइड्स में कलर आना शुरू हो गया। अब आमतौर पे जब ये आप शुगर कुक करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि धीमी आंच पे करिए, इवनली कुक होनी चाहिए तभी कलर अच्छा आएगा। यहाँ पर वो नहीं है चक्कर, यहाँ पर चक्कर क्या है, अगर आप तेज़ आंच पे भी कुक करेंगे तो चलेगा, बिकॉज वो कैरमलाइज वाला नोट जो है वो धीरे धीरे शुगर के अंदर आना शुरू हो जाएगा। कंडेंस मिल्क भी कैरमलाइज होने दीजिए, और जब आपको अपने पसंद का कलर मिल जाए हल्का सा डार्क तो उसको पतला करने के लिए पानी, लेकिन उससे पहले एक चीट और हल्का सा मक्खन। मक्खन से 2 काम होते हैं, एक तो ये कि हल्का सा सॉल्ट मिलता है कैरेमल के साथ में, सॉल्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा है, और हम जिसको कैरेमल कोल्ड कॉफी बोलते हैं वो एक्चुअली टॉफी कोल्ड कॉफी होती है, उसमें एक टॉफी का नोट होता है जो यहाँ पर मक्खन और कंडेंस मिल्क की वजह से आ जाएगा। लेकिन अगर पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो आप उसको पोर्शन आउट नहीं कर पाएंगे, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको पतला करना है। हालांकि आपको ये लग रहा है कि बहुत पतला है, लेकिन ये बहुत पतला नहीं है, जब जमेगा ना तो अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि कंडेंस मिल्क डाला हुआ है तो जितना गाढ़ा होगा उतनी वो टॉफ़ी जैसी एक वो नटीनेस होती है ना, वो जो हम लोग खाते थे ना वो मिल्क टॉफ़ी, वैसा वाला टेस्ट आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा डार्क रखता हूँ इसको। देखिए जो हमने इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ की है ये शॉर्टकट, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो आती है कॉफ़ी बीन्स से, और ये हैं कॉफ़ी बीन्स, पहले ऐसे हरी होती हैं, रोस्ट करके उनको ऐसे ब्राउन कर लेते हैं।
इन कॉफी बीन्स को जब हम ब्रू करते हैं गर्म पानी के साथ, तो उसका जो लिक्विड निकलता है वो एक्चुअली कॉफी होती है, लेकिन इंस्टेंट कॉफी में उस लिक्विड को फ्रीज ड्राई कर देते हैं और पाउडर करके आपको दे देते हैं, ताकि आपको ये ब्रू ना करना पड़े, कॉफी बीन्स ना संभालनी पड़े वो सब। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने कोल्ड कॉफी बनाई थी, तो आपको बताया था बाबा बुद्धा के बारे में, बाबा बुद्धा कैसे कॉफी की बीन्स लेके आए और बुद्धागिरी गांव में उन्होंने वो 7 कॉफी के पेड़ लगाए। हाँ, तो हमने कहा कि इस बार सिर्फ बात नहीं करते हैं, आपको 30-35 सेकंड में कॉफी की जर्नी दिखा देते हैं, बुद्धागिरी दिखा देते हैं और बाबा बुद्धा का मंदिर दिखा देते हैं। कैसा आइडिया है ना? कहानी सुना दूंगा मैं फिर भी, कोई बात नहीं उसके ऊपर। आज भी अगर आप चिकमंगलूर के आजू बाजू जाएंगे तो वहां पर आपको बड़े बड़े कॉफी के बागान दिखेंगे और खूबसूरत कॉफी चेरीज पेड़ों पर लटकते हुए दिखेंगी। उसके बाद ये कॉफी प्रोसेस होगी, रोस्ट होगी, ग्राइंड होगी और तमाम हाथों से गुजरकर आपके हाथ तक एक कॉफी मग की तरह पहुंचेगी। लेकिन इस बीच में बाबा बुद्धा की स्टोरी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चिकमंगलूर के पास बुद्धागिरी में जो बाबा बुद्धा का मंदिर है, वो मंदिर सिर्फ बाबा बुद्धा को सेलिब्रेट नहीं करता है, बल्कि इस बात को भी सेलिब्रेट करता है कि वो यमन से पहली बार 7 दाने कॉफी के अपने साथ, कुछ लोग कहते हैं अपनी दाढ़ी में छुपाकर, कुछ लोग कहते हैं अपने कपड़ों में छुपाकर लाए थे। उस वजह से हिंदुस्तान में चिकमंगलूर एरिया में पहली बार कॉफी आई, हमने पहली बार कॉफी का टेस्ट किया। तो हर बार जब आप कॉफी उठाएं तो कॉफी की एक खूबसूरत सी कहानी याद कर लें, जायका बढ़ जाएगा। तो जहां पर मिक्सी की जरूरत नहीं है वहां मिक्सी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो जब मिक्सी की जरूरत ना हो तो एक मर्तबान ले लें, बर्नी ले लें, जार ले लें, जितना एयर टाइट हो उतना अच्छा है, जितना वो लीक ना करे, वरना घर पे मम्मी जो है बहुत मारेंगी। और इसमें मैं आपको बना के दिखाऊंगा कैरमल कॉफी और अपनी रेगुलर कोल्ड कॉफी, ठीक है? अब अगर बहुत थोड़ी शौकीन मिजाजी हो रही है और आज मूड है तो एक स्कूप वनीला आइसक्रीम डाल लें, नहीं डालेंगे भी तो भी कोई आग नहीं लगेगी, ठीक है ना? पर अब इसमें डालेंगे कॉफ़ी डिकॉक्शन या कॉफ़ी शरबत। देखिए शुगर के साथ कैसे गाढ़ा हो गया, देख रहे हैं आप? और अभी भी गर्म है, ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा, बिल्कुल शरबत वाली कंसिस्टेंसी आ जाएगी। फिर आप इसको फ्रिज में पूरी गर्मियाँ रख सकते हैं, कुछ नहीं होगा इसको। अब इसमें शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं, कॉफ़ी डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब सिर्फ इसको हिलाने की ज़रूरत है। ओहो, मेरी पीठ भी हिल रही है साथ साथ, इस तरफ ट्राई करता हूँ। देखिए कॉफ़ी में क्या है ना, नेचुरल इमल्सिफिकेशन होता है, मतलब ये जो झाग है वो अपने आप बनेगी अगर कॉफ़ी आइसक्रीम देखते। अब थोड़ा डिज़ाइन के लिए नीचे कॉफ़ी डाल लेते हैं, सिर्फ डिज़ाइन के लिए। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग करनी है थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर डाल सकते हैं आप, वरना कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ओके जी, अभी कॉफी नंबर 2 जिसके लिए सारा मामला यहाँ पर शुरू हुआ है, कैरमल कोल्ड कॉफी, है ना? जैसे हम कॉफी डालते हैं, यहां पर आधी कॉफी आधा कैरमल सिरप डालेंगे हम। कॉफी पाउडर मैंने यहां पर क्यों डाला, कॉफी पाउडर मैंने यहां पर इसलिए डाला बिकॉज आपका कैरमल सिरप भी मीठा है और आपने ऑलरेडी अपनी कॉफ़ी हाफ कर दी है मिठास की वजह से, जो ये कॉफ़ी आपने शरबत डाला है कॉफ़ी डिकॉक्शन वो भी हाफ कर दिया, इसलिए कॉफ़ी का फ्लेवर मेंटेन रखने के लिए कॉफ़ी पाउडर हमने उसके अंदर कर दिया ऐड। और अगर मैं इतना कमर में दर्द है तो जो घर का सबसे छोटा बच्चा है उसको दे दीजिए ये काम, जब हम छोटे थे हमारा भी यही काम होता था कि चलो गोल्डी कॉफ़ी की झाग निकालो, क्योंकि झाग निकलती थी तो 4 गिलास के 6 गिलास भी बन जाते थे ना, सबका काम खुश हो जाता, मम्मी भी खुश, घर वाले भी खुश, बच्चे भी खुश।
ये हो गई आपकी कैरमल कोल्ड कॉफी। लालच आ रहा है ना अभी? कौन सा कॉफी शॉप आपको ऐसे बना के देगा बताइए, हैं? सब फेल कर दिया ना आपने घर पे, आपके जलवे ही ऐसे हैं साहब, मैं बता रहा हूं आपको। आप बन गए एकदम कॉफी शॉप वाली, है ना? स्ट्रॉ और डाल के एकदम वाइब बना दी हमने। वाइब वाइब ना बनाइए तो भी चलेगा, लेकिन घर पे कॉफी जरूर बनाइए। वाइब को छोड़िए, वाइब बन जाएगी। अरे टूटी कमर में मैंने बना के दिखाई है, उसकी इज्जत रख लो, बना लो। तो बगैर मिक्सी के बनने वाली आपको दो कॉफ़ी दिखा दी गई हैं। एक तो है आपकी कैरमल कोल्ड कॉफ़ी, एक है आपकी रेगुलर कोल्ड कॉफ़ी। अब तीसरी जो है आजकल फैशन में बहुत आई हुई है, इसका नाम है नाइट्रो कोल्ड कॉफ़ी। है कॉफ़ी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है ब्रू करके, कॉफ़ी को कोल्ड ब्रू करके। हैं तो ज़्यादातर आजकल जगहें जो है वो नाइट्रो कोल्ड कॉफ़ी दे रही हैं, झाग वाली कोल्ड कॉफ़ी, बेसिकली कोल्ड कॉफ़ी का फिजी रूप। बट चिल्ड सोडा लें, अगर सोडा चिल्ड ना हो तो सोडे को चिल कर लें, नहीं तो थोड़ी बर्फ़ डाल लें, लेकिन बर्फ़ के साथ इसका मज़ा नहीं है। इसका मज़ा वही है कि एकदम चिल्ड, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते ना हम लोग, बस वही है, फिजी कॉफ़ी है ये, है ना? कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक, फिजी कॉफ़ी, वो है। सच में सारे कोल्ड ड्रिंक फेल है भाई, ट्राई नहीं किया ना तो आप कुछ मिस कर रहे हैं लाइफ में। अब इसमें अगर दूध डालना है तो बस ऐसे ही आप दूध भी डाल सकते हैं, नाइट्रो ब्रू विद मिल्क। तो ये मिक्सी निकाल ली गई है और बाकी के जो दो वर्जन है वो आपको मिक्सी के साथ दिखाए जाएंगे। पहले तो है कॉफी स्मूदी, जिम जाने से पहले या जिम जाने के बाद अगर आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कुछ जिसमें थोड़ा कॉफ़ी का मज़ा हो, थोड़ी गर्मियों के लिए ठंड हो और साथ में एनर्जी और पौष्टिकता हो, तो ये कॉफ़ी स्मूदी आपके लिए है। अगर आप जिम नहीं भी जाते हैं तो लंच स्किप करना चाहते हैं, एक मील स्किप करना चाहते हैं, तो ये कॉफ़ी स्मूदी आपके लिए है। ठीक, तो कॉफ़ी स्मूदी बनाने के लिए आपको चाहिए डेट्स उर्फ खजूर। ठीक है जी, अब यहाँ पर डेट्स जो है वो एक्सेलेंट सोर्स ऑफ शुगर है जो गर्मियों में एनर्जी के लिए चाहिए होती है। दूसरा बनाना है, बनाना के अंदर पोटेशियम होता है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को गर्मियों में चाहिए होते हैं क्योंकि पसीने के जरिए बह जाते हैं। इसके अंदर कॉफ़ी है जिससे कि एनर्जी मिलेगी, जिससे कि थोड़ा मज़ा आएगा, और दूध है जिससे प्रोटीन मिलेगा। अब मैं न्यूट्रिशनिस्ट की तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जेन्युइनली सेहत के लिए बड़ी अच्छी स्मूदी है। अच्छा, पीछे मैं स्मूदी बना रहा था, वहाँ पे डेट्स ख़त्म हो गए थे तो वहाँ पर मैंने फिर मुनक्के डाले थे। मुनक्के वो बड़ी वाली काली वाली किशमिश होती है ना, वो डाले थे, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आया था, एक हल्का सा मुनक्के के बीच का टेक्सचर आया था। तो अगर डेट्स नहीं है तो आप रेजिन्स यानी कि किशमिश या मुनक्के यानी कि सुल्तानास डाल सकते हैं। अच्छा, एक चेंज मैं इसके अंदर क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगा, हाय बड़ी स्वाद है, थोड़े भीगे हुए बादाम डालूंगा बस, बाकी तो भाई बढ़िया चीज बनी एकदम फर्स्ट क्लास है। थोड़ी थोड़ी कमर भी सीधी हो रही है, अब मजा आ गया, मजा आया ना। अब लास्ट, आज का आखिरी आइटम है चॉकलेट चिप कैरमल फ्रापुचिनो। है मोका फ्रापुचिनो, कैरमल मोका फ्रापुचिनो, आप जाके वो मांगते हैं ना वो चॉकलेट चिप के साथ, मैंने कहा उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं होम मेड एकदम। वैसे तो मोका फ्रापुचिनो बनानी थी, मोका मतलब चॉकलेट, जब भी कॉफ़ी के आगे मोका लग जाए तो इसका मतलब उसमें चॉकलेट पड़ा हुआ है। मोका फ्रापुचिनो बनानी थी, फ्रापुचिनो मतलब बिल्कुल ठंडी कॉफ़ी बर्फ़ के साथ ब्लेंड करी हुई, लेकिन हमने उसमें कैरमल डाल दिया तो कैरमल मोका फ्रापुचिनो हो गई। लेकिन अब हम उसको बनाएंगे चॉकलेट चिप कैरमल मोका फ्रापुचिनो, उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं मिक्सी के उस पार।
ये देखिए है ना एकदम फर्स्ट क्लास, और वो जो चॉकलेट के चिप्स आ रहे हैं वो ऑलरेडी इसको चॉकलेट चिप फील दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको और चॉकलेट चिप फील देना है तो अपनी चॉकलेट लीजिए फ्रिज में डली हुई और ऐसे करके चॉकलेट को ग्रेट कर दीजिए। तो आपकी जो दिक्कत थी ना जिसका नाम था कैरमल मोका फ्रापुचिनो, जिसके लिए आप देने वाले थे 500 रुपये, हमको दे दीजिएगा 500 रुपये। एकदम जदरबस्त माहौल बना दिया हमने। तो जी नमस्कार, मैं हूँ टेढ़ी पीठ वाला रणवीर बरार, और आज टेढ़ी पीठ के साथ आपको 5 सीधी कॉफ़ी दिखा दी। गर्मियों का जुगाड़ जो है वो हो गया है, करना कुछ नहीं, कॉफ़ी का शरबत बना के रखना है। शरबत की रेसिपी मैंने बिल्कुल चेंज नहीं करी। उसके बाद आपको स्मूदी, आजकल जो फैशन में है वो नाइट्रो कॉफ़ी, और वो भगवान भला करे वो कैरमल माकियातो, कैरमल फ्रापुचिनो, आप जो भी उसको बोलना चाहे वो दिखा दी, और घर पे वो बर्नी वाली कोल्ड कॉफ़ी भी दिखा दिए। इसी के साथ मैं जा रहा हूँ मलहम लगाने, आप जाइए कॉफ़ी बनाने। थैंक यू वेरी मच। लव भैया, लव टाइगर बाम, लव।